अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्कॉर्पियो गर्ल्स के न्यू व्लॉग में सबको खुश आमदीद करते हैं। चलें भाई, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने रैबिट से। ये देखें, ये हमारे रैबिट हैं। तीन चार थे जो कि एक गर्मी की वजह से, पता नहीं किस वजह से मर गया। तब तो ये रहते भी हवेली में थे, मिट्टी में, जबकि ये खुश रहते हैं तो मिट्टी में ही वो मर गया था। अब हमारे पास तीन हैं, एक ब्लैक एंड वाइट है और दो वाइट हैं। इनकी आइज़ देखें, ये जैसे इनकी आइज़ है वैसे ये खुद भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ है। ये काटते भी बहुत ज़्यादा पूरा है। और ये जो है ना राजू, ये तो बहुत ही तेज़ है, माशाल्लाह तेज़ भी है और तेज़ के साथ साथ चलाक भी है। ये मिट्टी में ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन वजह ये बनी कि जो जब ये रहते थे साथ, बिल्कुल हमारे घर के साथ ही हमारी छोटी सी हवेली है जिसमें ये रहते थे, तो ज़्यादा ये मिट्टी में गहराई में जाके अपना घर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर को भी नुकसान हो सकता था। तो इस वजह से हम लोगों ने इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। मिट्टी में भी खुश रहते हैं, लेकिन ये ऊपर अपने नए घर में भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका नया घर है। अभी तो तीन है, तीन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है इनका घर। अभी ये तीनों खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ है। ये तो काफ़ी सलूक से बैठे हैं, नहीं सलूक से नहीं बैठे, एक दूसरे से खींच रहे हो। खींच क्यों रहे हो, इधर मुझसे ले लो, ये ले लो। नहीं भी अभी नहीं लेना, क्योंकि अभी उनके उनके पास मेरे नहीं झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं झगड़े ही कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, मुझसे नहीं ले रहे, खुद झगड़ी जा रहे हैं। ये ले लो राजू, ये देखिए कितना तेज़ है हमारा राजू, ये काफ़ी तेज़ है। कम तो खैर ये भी दोनों नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अपने नए घर में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हम लोगों ने अभी दो तीन दिन ही हुए हैं इनका नया घर ऊपर बनाया। पहले तो ये सात वाली हवेली में ही रहते थे। किसी दिन आपको हवेली का भी विज़िट करवाएंगे, वो भी दिखाएंगे, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ रखा है। ये देखिए, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं या झगड़े हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन मिलकर खाना खा रहे हैं। भाई उसको भी साथ ले लो, वो देखे बेचारा कैसे अकेला बैठा और एक साइड पे खा रहा है। तुम दोनों काफ़ी तेज़ हो और सलूक से बैठे हो, उसको भी साथ ले लो, वो भी आप लोगों के साथ ही है, उसको कैसे अकेला छोड़ा है। ऐसे तो वैसे इंसान करते हैं, दो की दोस्ती हो, तीन का ग्रुप हो, दो की ज़्यादा दोस्ती होती है और एक को बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। अच्छा, मुझे मेरे ख्याल में जानवरों में भी यही सब कुछ होता है। पहले तो इंसानों की बात करते थे, अब तो जानवरों में भी वही कुछ हो रहा है। वो बेचारा एकदम अकेला बैठा हो, ये दोनों साथ में मिलकर खाना खा रहे हैं प्यार और सलूक के साथ। ये देखिए वाइट कितना प्यारा है गाइस, इसकी आइज़ चेक करें। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी आइज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। मुझे तो भी बहुत प्यारी लगती हैं। जब हमारी हवेली को नुकसान हो रहा था तो घर वालों ने सब ने कहा कि इनको किसी को दे देंगे, हम लोगों ने ये नहीं रखने, भी इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अम्मी और मैं नहीं माने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये, देख घूमते फिरते। तो हमने कहा कि नहीं, आप लोग ऐसा करें कि इसको हम लोग खुद ही ऊपर छत पे शिफ्ट कर देंगे। तो हम इनको छत पे ले आए। देखें इनको, एक चीज़ अगर आपके घर में अफरादी हूँ, जब आपको उनके साथ प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, घर में कोई भी नया बच्चा है या कोई भी अफराद हों, सबका मिलजुल कर रहना प्यार बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप कोई भी चीज़ लें, कोई जानवर या कुछ भी रखें, कुछ भी हो, उसके साथ भी आपका प्यार ऐसे ही बढ़ जाता है। जैसे ये देखें हमारे प्यारे से रैबिट है, ये सात वाली हवेली में रहते थे। सब घर वालों ने कहा नहीं, इनको किसी को दे देते हैं, हमने नहीं रखने, इनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन नहीं, हमें तो बहुत प्यारे लग रहे थे, अम्मी और मैं माने नहीं, तो आखिरकार हमारी कोशिश कामयाब हो ही गई। हम लोगों ने अपने अब्बू से बात की, अब्बू मान गए और हम इनको ऊपर ले आए।
ऊपर हम लोगों ने इनको शिफ्ट कर दिया, ऊपर भी काफ़ी खुश है और काफ़ी ज़्यादा तंग भी करते हैं, कभी छुप जाते हैं, बार बार आकर मुझे ऊपर देखना पड़ता है कि अब किधर गए अब किधर गए। तो अभी मैंने सोचा कि मैं छत पर जाऊँ, इनको देखूँ, इनको खाना डालूँ। ये देखिए कितने मज़े से खाना खा रहे हैं। चलो भाई तुम दोनों, जबकि जोड़ी आपस में सलूक में बैठी हुई है, तो इनको मेरा ख्याल से और देना चाहिए। ये काफ़ी चीज़ें शौक से खाते हैं, फ्रूट भी शौक से खाते हैं, अब जो भी देंगे शौक से खाएंगे। लेकिन ये जो टाइम होता है इनका, ये इन्होंने रोटी खानी होती है और वो बड़े शौक से ये खाते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कितने मज़े और शौक के साथ ये रोटी खा रहे हैं। मुझे लगता है अब ये दोनों जोड़ी बनाने लगे हैं अपनी। देखा ये भी ऐसे ही होते हैं, दो की जोड़ी बन जानी और एक को छोड़ देना, जैसा कि ये अभी ये कर रहे हैं। ये देखें वो दोनों जाके छुप के और उस बेचारे को अकेला छोड़ दिया। ये खैर बेचारा नहीं है, ये राजू काफ़ी तेज़ है। ये लो खा लो। नहीं वो कह रहा अभी मैंने नहीं खाना, मेरे पास काफ़ी मौजूद है, अब ख़त्म हो गया। अब कह रहा है कि मुझे और दे दो। हाँ भाई और सुनाओ कैसे हो आप, ठीक हो? अब देखो तुम आगे, तुमने उसे अलग कर दिया था, अब वो तुम्हें भी छोड़ के चली गई। देखा राजू ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं तुम लोगों को समझाती हूँ कि तीनों इकट्ठे मिलजुल कर रहा करो। अब देखा ना तुम अकेले रह गए हो। राजू कुछ भी नहीं कहते मैं तुम्हें, ये लो खाओ खाना। मैं उन दोनों को ढूंढती हूँ, वो किधर है? इनको ढूंढना कौन सा आसान काम है, काफ़ी मुश्किल होता है इनको ढूंढना। मैं इतने मज़े से खाना खा रहा है तो मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। चलो भाई तुम खा, खुद ही आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ पर जाके छुप गए हैं। एक तो ये तंग बड़ा करते हैं, बच्चों कर लो तंग जितना करना है कर लो तंग। खैर ये अभी है तीन ही है, लेकिन ये पहले चार थे, जबकि एक मैंने आपको बताया एक मर गया है, अब तीन रह गए हैं। एक तो मरते बहुत है, हमारी चीज़ें मरती बहुत ज़्यादा है, कभी बकरी का बच्चा मर जाता है, कभी रैबिट मर जाता है, कभी कुछ, नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है हमें। अब तो ऐसा ना ही हो, तीनों की जोड़ी इनकी सलामती रहे। ये देखें नाश्ते में इसने स्ट्रॉबेरी खानी होती है, स्ट्रॉबेरी ना हो तो बनाना खाना होता है, बनाना ना हो तो एप्पल खाना होता है। तो इसने रात को डिनर में रोटी खानी होती है। देखिए कितने मज़े से मेरी बातें सुन रहा है ना रैबिट। वाह नो रैबिट नहीं, राजू, इसका नाम वैसे राजू है, हम लोगों ने इसका नाम राजू रखा है। देखिए कितनी स्पीड से खाते हैं, इनके दांत काफ़ी तेज़ होते हैं और नाखून भी। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं इसके नाखून, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नाखून होते हैं। जब हम लोगों ने इनको हवेली से पकड़ना था तो हमसे तो पकड़े नहीं गए, हम लोगों ने कुछ गली के बच्चों को इकट्ठा किया, उन्होंने काफ़ी बेचारों ने दौड़ भागी इनके पीछे 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 पीछे। उस दिन भी लोग मिस हो गया था, मैंने बनाया नहीं था, वरना मुझे बनाना चाहिए था, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। खैर वो तो बना नहीं हुआ, फिर काफ़ी मुश्किल से उन बच्चों ने इनको पकड़ा, उनके हाथ भी ज़ख्मी हो गए थे, बट ये है कि पकड़ने में वो बच्चे कामयाब हो गए थे। आपको पता है कि बच्चे तो कामयाब हो ही जाते हैं इन चीज़ों में। ओ गाइस रैबिट तो अपना खाना खा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बाहर का मंज़र दिखा दिया जाए। वो देखें आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चे जो कि पहाड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये देखें गली में। चले अब हम लोग अंदर ही चलते, बाहर काफ़ी ज़्यादा रश है तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता, लोग पता नहीं देखते हैं तो क्या सोचेंगे कि लड़की बाहर मोबाइल लेकर क्या करिए। यहाँ के लोगों की ऐसी सोच है, कॉलोनी और मोहल्ले में काफ़ी फ़र्क होता है। बच्चे पहाड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो मैं आपको अपने नए व्लॉग में दिखाऊंगी। अब आप लोग देखें रैबिट को खाना खाते, अब ये अकेला रह गया है, ये ऐसे ही करते हैं, मिलजुल कर तो उन्होंने रहना नहीं होता, एक अलग हो जाता है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। चलें खैर ता है ईद मिलाद नबी की आमद करीब है,
इस बार लोगों ने इतनी ज़्यादा महफिलें वगैरह भी नहीं करवाई, बस हमारे मुल्क के हालात जो इतने ज़्यादा ख़राब है, लोग इधर रुक ही नहीं रहे, बाहर जाए जा रहे हैं, लोग भी क्या करें, मुल्क के हालात ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस अल्लाह जो जहाँ भी है उसे खुश रखे और कामयाब करे, तरक्की दे। वैसे तो ज़्यादातर लोग दुबई में ही जा रहे हैं, खैर दुबई भी अच्छा ही है। बस अल्लाह जो जो जहाँ जहाँ भी है अल्लाह उन्हें कामयाब करे। ये देखिए गाइस कितने मज़े से आराम से लेट गया क्योंकि इसने खाना खा लिया है, अभी ये आराम कर रहा है अपने घर के बिल्कुल पास। कितने मज़े से लेटा है, देखिए आप गाइस आपको कैसे लगे हमारे ये तीनों प्यारे प्यारे से रैबिट। ओ वाओ मुझे लग रहा है इसे गुस्सा आ रहा है, कैसे देख रहे हैं, इधर आओ, ये खड़े भी हो जाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अरे मुझे तो डर भी लग रहा है ये ना हो ये मेरे काटी करते, काटी ना करना, देखो इधर आओ। ओए ओए ये देखिए, ये देखिए कैसे खड़ा होता है, इधर आओ। चले गाइस फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाह देखिए खाना खाने के बाद खुद ही अपना फेस साफ कर रहा है, ये एक मैसेज भी दे रहा है कि खाना खाने के बाद अपना फेस लाजमी वॉश करें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चले गाइस ओके बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।